अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज आप फ्रीलांसिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वेबसाइट है fiverr.com। यहाँ पे आप मिनिमम मिनिमम ऑफ $5 की सेलिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम ऑफ $1000 $5000 की तक सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, अपनी की सेलिंग कर सकते हैं। fiverr.com पे कंपटीशन आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, और हमें ऐसे कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से, राइजिंग होने की वजह से हमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसी गिग सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कंपटीशन कम हो ताकि हमारी गिग सेल हो सके और हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो बेसिकली fiverr.com पे आप मिनिमम $5 की प्रोडक्ट गिग सेल कर सकते हैं और इसमें से वो $1 अपना कमीशन रखता है। हर $5 पे $1 फाइवर कमीशन रखता है। ठीक है, मैं अपना अपना सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो मैंने आईडी बनाई हुई है, आईडी बनाई हुई सिर्फ आप लर्निंग पर्पज के लिए बनाई है, सिर्फ आपको तकलीफ वो आपको मैं अपनी नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। आ जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ फाइवर पे। ठीक है, बेसिकली ये डेमो मेरी ऐसे ही आईडी है, ये लर्निंग पर्पज के लिए मैंने क्रिएट की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिज्यूमे डिजाइनर। मैं आपको वो आपको गिग बताऊंगा जिसमें आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्निकल स्किल्स या इवन सिंपल स्किल्स जो होती है, नॉर्मल स्किल्स, बेसिक स्किल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रिज्यूमे डिजाइनर हर कोई डिजाइन कर सकता है, हर कोई। अगर थोड़ा सा गूगल करेगा तो आपको ईच एंड एवरी इन्फो आपको गूगल से ही मिल जाएगा। ठीक है, रिज्यूमे डिजाइनर मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं था रिज्यूमे डिजाइनर, जी बिल्कुल था मैं रिज्यूमे डिजाइनर, था रिज्यूमे डिजाइनर। आपको मैं रिज्यूमे डिजाइनर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च बार पर लिखा रिज्यूमे डिजाइनर। बेसिकली रिज्यूमे डिजाइनर मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, रिज्यूमे डिजाइनर इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं हर कोई इस पे काम कर सकता है, हर कोई, चाहे उसके पास स्किल्स हो, चाहे वो फ्रेश हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे उसके पास स्किल्स हो या स्किल्स ना हो, हर कोई काम कर सकता है। बहुत ईजी है, इसमें कॉम्पिटिशन भी नहीं है और आराम से आप अपनी गिग सेल कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है, काफ़ी कुछ टाइम इसमें आपको कंज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी रिज्यूमे डिजाइन हो जाएगी। यहाँ से मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा रिज्यूमे डिजाइनर। ठीक है, आप रिज्यूमे डिजाइनर की कैटेगरी, सारी कैटेगरीज हैं, देखें डिलीवरी टाइम आप यहाँ से अप टू 24 आवर्स आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वो गिग शो होंगी जो डिलीवर करी होंगे अप टू 24 आवर्स में। ठीक है, शो ऑनलाइन सेलर्स रिज्यूमे डिजाइनर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये दिखाएगा आपको रिज्यूमे की आप यहाँ पर रिज्यूमे अगर सिलेक्ट करेंगे तो रिज्यूमे के हिसाब से दिखाएगा, कौन कवर लेटर के हिसाब से दिखाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे यहाँ पे लैंग्वेज के नाम से, सर्विस के नाम से। अब यहाँ पर मैं आता हूँ टॉप रेटेड सेलर, कुड नॉट फाइंड एनी, इट्स नॉट पॉसिबल अभी तो, जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं ये पाँच टॉप रेटेड सेलर हैं। ठीक है, इसमें से मैं चेक करता हूँ सबसे ज़्यादा कौन अर्निंग कर रहा है। देखिए, इसने 1K, इसने 7K, इसने 29, सबसे ज़्यादा ये अर्निंग कर रहा है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसके 21 ऑर्डर इन क्यू में है, 21 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हैं, 21 ऑर्डर। अब ये बंदा कर क्या रहा है, सॉरी ये बंदी कर क्या रही है, ये कर क्या रही है, बेसिकली ये प्रोडक्ट इस तरह से सेल कर रही है। देखें ये क्या कर रही है, $10 में ये वन पेज रिज्यूमे डिजाइन विद डिलीवरी विद पीडीएफ डिलीवरी करेगी, ये पीडीएफ के एक पेज की रिज्यूमे बनाएगी और पीडीएफ डिलीवर करेगी $10 में, काफ़ी महंगी। देखें ये बेसिकली कर सकती है क्योंकि ये बेसिकली कर सकती है क्योंकि ये टॉप रेटेड सेलर बन चुकी है। ठीक है, जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाए आप कुछ भी अपनी अमाउंट लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बोनस भी देने पड़ेंगे, आपको कम से कम आपको रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कम से कम रेट रखेंगे तो ही आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, अदरवाइज अर्निंग ज्यादा नहीं होगी, अदरवाइज आपकी गिग सेल ही नहीं होगी। ठीक है, आ जाता है $30 प्रीमियम, वन पेज रिज्यूमे एंड सीएल डिजाइन प्लस एडिटेबल सोर्स फाइल इन वर्ड एंड पीएसडी एंड वर्ड फाइल आप ये दे रहे हैं $30 में, $80। अफसोस की बात है कि एक रिज्यूमे बनाने के लिए आपको $80 पे करने पड़ रहे हैं। रिज्यूमे
देखें आप यानी यानी कितनी सेल्स है यहाँ पे, आप $80 पे भी आप देख सकते हैं वन डे डिलीवरी कर रहा है, लेकिन सेम है सारा, लेकिन इसमें सिर्फ वन डे डिलीवरी तो $80 चार्ज कर रहा है, यानी वो $50 चार्ज कर रहा है एक दिन के डिलीवरी के। अब आते हैं, इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं 3660, देखें 3660 इसने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किए हैं, 3660 इसके रिव्यू हैं। रिव्यू हो सकता है ऑर्डर ज़्यादा हो, ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो सकता नहीं है, डेफिनेटली होगा। अब चेक करते हैं, देखिए फीडबैक डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, आप कैसे आपका क्वालिटी आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी कन्वर्सेशन पे, आपकी कटिंग, आप कितनी पोलाइट हो, उस पर डिपेंड करता है फीडबैक, उस पर डिपेंड करती है फीडबैक। पर नॉर्मली हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ये 3660 नॉर्मली लोग 20% 30% 70% वो करते हैं फीडबैक देते हैं, ठीक है, फीडबैक देते हैं, तो 70% 60% नहीं देते, तो हम इसको प्लस करते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 8000, इसको मैं बेसिकली 8000 कर देता हूँ, उसने 8000 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, ठीक है। और प्राइस क्या लगानी है, अगर हम प्राइस लगाते हैं $5 से लगाते हैं तो ये हो जाते हैं $40,000, यानी कि $40,000 कमा चुका है ये इस पिक से कमा चुका है $40,000 अगर हम $5 से कमा कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी हमें $5 से नहीं करना, हमें एवरेज निकालनी है, बेसिकली एवरेज निकालते हैं हम 8000 हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे मैं गिग की एवरेज निकालता हूँ, जैसे कि टॉप 30, 20, 80, लेकिन हम एवरेज इस तरह से हम कम ही निकालेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है टॉप रेटेड सेलर से नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल सिंपल सेलर से, बेसिक सेलर से स्टार्ट होगा, टॉप सेलर तक ही है, लेकिन हम बेसिक सेलर पे तो इसकी कुछ भी नहीं होगी ना, सेलिंग $5 से इसने स्टार्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसकी एवरेज इस तरह से निकालते हैं, मैं इसकी एवरेज निकालूंगा $30 से $40 से, चलो $30 से निकालते हैं इसकी एवरेज। अब ये देखें $240,000 बनते हैं, $240,000 इसने कमाया, $240,000 सिर्फ इसी गिग से इसने $240,000 कमाया। अगर हम पाकिस्तान में, करंटली मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं अगर पाकिस्तान के हिसाब से अगर इसको मैं काउंट करूँ, डॉलर के रेट चल रहे हैं 103.50 से, चले हम 100 से ही लगा लेते हैं इसको, 100 से ही लगा लेते हैं, तो आप ये खुद देख सकते हैं कि 24 करोड़ रुपये, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, समझ ले 2.5 करोड़ इसने कमा लिए हैं, 2.5 करोड़ इसी गिग से इसने कमा लिया। अगर हम एवरेज निकाले जाए तो 2.5 करोड़ इसी गिग से कमाए गए हैं, इसी गिग से। अब ये देखें फेवरेट भी है, फेवरेट मतलब ये होता है कि देखें सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक गिग पसंद आ गई मैंने फेवरेट कर दी, लेकिन फेवरेट से होता ये है कि आपकी गिग ऊपर आती जाती है, जितने लोग आपकी गिग को फेवरेट करते रहेंगे वो गिग ऊपर आती रहेगी, हो सकता है मेन पेज पे भी आ जाए। अब ये टॉप रेटेड सेलर है तो ऑब्वियसली इसकी गिग ऊपर आई होगी, हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, लेट्स सी इसके पास कितनी गिग है, गिग्स कितनी है इसके पास, व्हाट हैपेंड तो यूं करके चेक कर लेते हैं। रीसेंट डिलीवरी हम चेक करें तो 1 घंटे पहले इसने एक रीसेंट डिलीवरी करी है, एवरेज टाइम रिस्पांस का 3 आवर्स है, मेंबर मार्च 2013 से है ये, और अभी करेंटली चल रहा है, आज डेट है 27 जुलाई, आज है 27 जुलाई और रात के बज रहे हैं 11:30, ठीक है। आई एम फोटोशॉप एक्सपर्ट, ये यूनाइटेड स्टेट से है, इसके कॉन्टेक्ट है, इसके 4356 रिव्यू एंड टोटल रिव्यू फीडबैक टोटल इतनी है, इसने फोटो एक्सपर्ट रखा हुआ है, फोटोज एक्सपर्ट, आई एम फोटो एक्सपर्ट, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्लुएंट है, ठीक है। यहाँ पर स्किल्स इसने बताया भी है, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, ये वो, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी एक गिग नहीं है इसके पास, इसकी 3 गिग है, इसने 3 गिग बनाई है, 3 गिग आप देखें, 3 गिग है इसके पास, 3 के प्लस रिव्यू है, इसकी 2 गिग है, सॉरी जी बिल्कुल, इसकी 2 गिग है और 655 इस पर रिव्यू है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान काम है, आपको सिंपल, मैं आपको एक सैंपल्स भी दिखाता हूँ, बेसिकली मैं इस पर वर्क कर रहा था रेज्यूमे डिजाइनर पर, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया, मैं आपको दिखाता हूँ,
अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास आप देखें आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिज्यूमे क्लाइंट बैकअप, ये मेरी डी की डी ड्राइव है, यहाँ पे देखें रिज्यूमे क्लाइंट बैकअप। अब ये मेरे पास सारी सारे क्लाइंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, सारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, सारे क्लाइंट का डेटा पड़ा हुआ है, सारे क्लाइंट की रिज्यूमे जो मैंने बनाई है। अब मैं आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये रिज्यूमे मैंने बना के इसको मॉकअप कर दिया, मॉकअप बना दिया इसका। ये मेरा फाइवर में फाइवर एक्सपर्ट टू लेवल था, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, फाइवर सेकेंड लेवल था मेरा टॉप। देखें पहले फर्स्ट लेवल होता है, फिर सेकेंड लेवल होता है, और फिर टॉप लेवल होता है। आपको बेसिकली करना क्या है, मैं एक वीडियो में आपको पूरा फाइवर डिफाइन नहीं कर सकता, आपको सिर्फ मैं टिप्स बता सकता हूँ, सिर्फ आपको मेथड बता सकता हूँ, सिर्फ आपको मैं वे बता सकता हूँ, ताकि आप इजीली उस पे उसको फोकस करके, उसको कंसीडर करके इस पे इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, फाइबर पे टिप भी बहुत अच्छी मिलती है, हो सकता है कभी कभार अगर यूनाइटेड स्टेट से अगर $10 का ऑर्डर आ जाता है तो क्लाइंट आपको $10 पे $15 टिप दे देता है, यानी जो जो ऑर्डर देता है $10 का जो ऑर्डर होता है उससे ज्यादा वो टिप दे देता है $15 की, यानी $25 हो गए। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ने कोई भी सेलिंग नहीं की है, असल में बेसिकली ये मैंने बनाई इसलिए लर्निंग पर्पस लिए, जैसे मैंने आपको बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपको मैंने एक टॉपिक तो बता दिया जो बिल्कुल इजी है, जो स्किल्स के बगैर बन सकता है, और उसमें कितनी अर्निंग है, 2.5 करोड़, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील एंड एवरी सिंगल पर्सन नोज अबाउट दैट। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करें, उसको थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को एट्रेक्टिव बनाएं, कैची बनाएं, तो डेफिनेटली आपके पास ऑर्डर आएंगे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि आपको कोई इन फ्यूचर आपको कोई ड्रॉबैक ना हो आपके साथ, यानी कोई आप फाइबर आपकी प्रोफाइल को बैन ना करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखें ये मैंने मॉकअप बनाए थे, मैंने रिज्यूमे डिज़ाइन की थी वर्ड पे भी, आप देखें पीडीएफ भी बेसिकली लोग क्या करते हैं कि आपसे पीडीएफ में कभी भी आपकी नहीं, ना आपको ना आपसे पीएचडी में मांगेंगे, ना आपसे पीडीएफ में मांगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे आपका कस्टमर मांगेगा, आप रिज्यूमे सीवी वो मांगेगा आपसे वर्ड फाइल में, क्योंकि वो इन फ्यूचर इसको, क्योंकि वो यू नो डे बाय डे, यानी जब इसको जब रिक्वायर्ड है तो वो अपनी जब अपडेट्स है इसकी सीवी के लिए, तो वो अपने अपडेट सीवी को अपडेट कर सकते टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया रिज्यूमे का, सॉरी यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, रिज्यूमे आप ये भी देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी डिजाइन है, ये सारे आप देख सकते हैं, क्लाइंट अलग है, इसका नाम देख लें, इसकी फोटो देख लें, इसका नाम देख लें, इसकी फोटो देख लें, सारे इसका भी मैंने मॉकअप बनाया हुआ है। मॉकअप मैंने क्यों बनाया था, मॉकअप ऐसे के लिए इसलिए बनाता हूँ कि क्लाइंट खुश हो जाता है, क्लाइंट को इसका बोलो हम सिंपल में वर्ड की फाइल डिलीवर भी करता था, मॉकअप भी डिलीवर करता था। और बेसिकली मैंने करा क्या था, मैं आपको सब ए टू जेड बताऊंगा, जो मेरा होम पेज पे जो फीचर इमेजेस होती है वो मैंने लगा दी थी, ताकि देखिए ये मेरी ओन अथॉरिटी है, नो बड़ी कॉपी इन पेस्ट, ये मेरी ओन अथॉरिटी है। यहाँ पे मैंने अपना लोगो भी वॉटर मार्क लगा हुआ था कि मेरी गिग है, ताकि वो डिफाइन करे कि मेरी गिग है। अब ये देखें सारे क्लाइंट्स अलग हैं, सब क्लाइंट्स ही मैंने रिज्यूमे बनाए हुए हैं, ये सारी वर्ड फाइल पे बनी हुई है बेसिकली, इसको मैंने सारी एडिटेबल है सारी वर्ड फाइल्स। अब मैं आपको, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे बनती हैं। ठीक है, आपको सिंपल गूगल कर लेना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे ही आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे कर लें। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज लगती हैं आर्टिकल पढ़ने में, कंटेंट पढ़ने में, तो आप सिंपल यूट्यूब कर लें, यूट्यूब पे आप वीडियोज देख लें। आप क्लाउडिया, ऑस्टिन, जैसिका, टीना देख रहे हैं आप, ये मैंने सारी सीवी बनाई है, इसके मॉकअप बना दिए हैं। अब आई थिंक थोड़ा बहुत आप तो क्लियर हो गया होगा रिज्यूमे डिज़ाइनर के बारे में, कि बहुत इजी वर्क है, इसमें कोई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्किल्स भी, अगर आप बेसिक स्किल्स आप यूट्यूब से उठा लेंगे कि कैसे बनती है, कैसे एडिटेबल फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लोगो डिज़ाइनर। लोगो डिजाइनिंग बेसिकली क्या है, मैंने आपको एक तो बता दिया, सबसे लो कंपटीशन टॉपिक बता दिया, लो कंपटीशन गिग बता दिया आपको मैंने,
लो कॉम्पिटिशन पे आपको ऑर्डर इजीली मिल जाएगा। आ जाते हैं लोगो डिजाइनर पे। लोगो डिजाइनर पे अर्निंग इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना टफ है, इतना टफ है कि आपको ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो खैर किसी भी गेट पे आपको मिल सकता है टॉप रेटेड सेलर। देखिए यहाँ पे आप डिफाइन भी कर रहा है कि 150 टॉप रेटेड सेलर है। यहाँ पे आपको बता रहा है लेवल टू सेलर कितने हैं 6,170। यहाँ पे लेवल वन सेलर बोल रहे हैं, यहाँ पर न्यू सेलर बोल रहा है 11,000 3,000 सब बता रहा है आपको। हाई रेजोल्यूशन लोगो ट्रांसपेरेंसी सोर्स फाइल आपको सब बता रहा है। देखें ये जो मार्क होता है टी, ये है टॉप रेटेड सेलर का। आप लोगो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप वेब डेवलपिंग भी कर सकते हैं, आप कॉन्टेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग हो गई, एसईओ बेस्ड राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग हो गई, आप कोई प्लगइन सेल कर सकते हैं वर्डप्रेस की। लेकिन कोई भी प्लगइन क्रैक ना हो, नल ना हो, अगर क्रैक हुई तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। आपकी जेन्युइन होनी चाहिए प्लगइन। आप वर्डप्रेस थीम सेल कर सकते हैं, बहुत सी चीज होती है, वर्डप्रेस थीम भी बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं, टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट लोगों को बनाकर सेल कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग के लिए तो डेफिनेटली आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रोफेशनल आप होना चाहिए, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग इतनी ईजी नहीं है। लोगो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि लोग आपको बार बार क्लाइंट्स बेसिकली बार बार आपको अमेंडमेंट के लिए कहते हैं, एडिटिंग के लिए कहते हैं कि आप मेरे को ये एडिट कर दो। आपने इनको डिलीवर कर दिया ऑर्डर, उन्होंने जब कहा, अब क्लाइंट का माइंड चेंज हो गया, क्लाइंट बोलता है मेरे को एडिट करके दो, तो आपको वापस उसको एडिट करना है, फिर वापस उसको डिलीवर करना है, फिर क्लाइंट कहता है नहीं मुझे और चेंज कर दो करके दो। खैर इसके लिए भी फाइवर ने आपको बेनिफिट्स बने निकाल दिए हैं। पहले तो ये भी बेनिफिट्स नहीं थे, लेकिन फाइवर ने अभी बेनिफिट्स बने निकाल दिए हैं। इसके लिए भी फाइवर बहुत ज्यादा ईजी होता जा रहा है, जितना ज्यादा बेनिफिशियल होता जा रहा है उतना ज्यादा टफ होता जा रहा है टाइम बाय टाइम। क्योंकि फाइवर पहले इतना पॉपुलर नहीं था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि हर कोई फाइवर की तरफ आ रहा है। अब क्यों फाइवर की तरफ आ रहा है, इसलिए फाइवर की तरफ आ रहा है क्योंकि इसके लिए इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि आपको आप बल्ले न्यूबी, ये फाइवर बेसिकली न्यूबी न्यू कमर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए भी, ये सब के लिए। आप देखें आप यूडीमी पे चले जाएं, यूडीमी बहुत टफ है। आपको उस पर कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, कोर्सेस का एक कोर्स के लिए आपको कितनी वीडियोस बनानी पड़ती है, इसको अपलोड करना पड़ता है। आप अगर अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, उर्दू हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, इंग्लिश के अलावा आपके कोर्स सेल, इंग्लिश के अलावा आपके कोर्स उतने सेल नहीं होंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। इंग्लिश में ही आपके कोर्स उतने सेल हो सकते हैं जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इंग्लिश में बहुत से सेल हो सकते हैं, आप डिपेंड करता है मार्केटिंग टैक्टिक्स में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, आपको आपके पास आपके आपकी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स पता है नहीं पता, आप कैसे अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड में चेंज करते हैं, ठीक है, ये सब कंसिडर होते हैं। ये बेसिकली इम्प्लीमेंट की जाती हैं सारी चीज़ें। आप लोगो डिजाइनिंग पर आ जाते हैं। बेसिकली मैंने एक नोटपैड बनाया अपना थोड़ा टाइम है वॉइस ओवर, अब आ जाते हैं वॉइस ओवर पे। बेसिकली वॉइस ओवर जो फीमेल्स होती है उनकी वॉइस ओवर लोग ज्यादातर कंसिडर करते हैं, मेल्स की वॉइस ओवर इतना कंसिडर नहीं करते। अभी बेसिकली मेरा कोई टास्क था, प्रोजेक्ट नहीं था, मेरा एक टास्क था, उसके लिए मैंने वॉइस ओवर फीमेल का लिया, फीमेल का मैंने वॉइस ओवर लिया था आई थिंक $20 में, 900 वर्ड्स। सॉरी मेरा गला काफी खराब हो गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं टॉप रेटेड सेलर पे क्लिक करते हैं। बेसिकली डायरेक्टली मैं टॉप रेटेड सेलर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको मोटिवेशन हो। देखें मोटिवेशन सिर्फ सामने वाले की सक्सेस से नहीं मिलती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू कंसिडर which you have to consider. अब सिर्फ एक बंदा अगर पैसे कमा रहा है, नहीं यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला वॉइस ओवर, वन सेकेंड, मैं बेसिकली यहाँ पे अपना थोड़ी देर में स्टॉप करूंगा, क्योंकि जिस क्लाइंट का मैंने जिसका मैंने वॉइस ओवर लिया था उसका मैं वॉइस ओवर आपको बताना चाह रहा हूँ कि
क्योंकि वो बहुत कम रेट नहीं ना, लो कॉस्ट पे, लो रेट पे वो प्रोवाइड कर रही थी, तो मेरे को अपना जीमेल साइन इन करना पड़ेगा. इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो रोकूंगा. यहाँ से देख लेते हैं इसकी वॉइस, चेक करते हैं वॉइस पावर. Hi, I'm Jane. Welcome to my voiceover gig. If you're looking for an authentic voice to connect with your customers, narrate a book or instructional series, or you need a voicemail greeting, I would love to help you. All voiceovers are professionally recorded and delivered within 2 days. The cost is $5 per 100 words. This is exclusively on Fiverr. आपने सुना कि $10 में 100 वर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वर्ड्स पे $5, 300 पे $50. I'm so much, मैंने $20 में, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपके कि $20 में मैंने 900 वर्ड्स, $20 भी पैसे के लिए नहीं थे, $15 थे. वो तो मैं आपको $20 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वो, मेरे पास एक्सचेंजर की फीस लगी, फिर फाइबर की फीस लगी, फिर वैसे $15 में उस लड़की ने मुझे $15 में 900 वर्ड्स कंप्लीट करके दिए. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अप टू 500 वर्ड्स $100 में. अब उसकी वॉइस ओवर की क्वालिटी इतनी अच्छी है, आई थिंक इस ये जो मैंने आपको लड़की की वॉइस ओवर सुनाई है इससे भी ज्यादा अच्छी है. तो इसलिए मैं आप अपनी थोड़ी वीडियो में रोक रहा था कि मैं अपना गूगल जीमेल का अकाउंट साइन इन कर सकूं और आपको फिर गाइड कर सकूं. होल्ड ऑन वन सेकंड. ओके पीपल्स, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं इस लड़की से इससे मैंने वॉइस ओवर लगाया था. और अगर मैं मेरी वीडियो के जरिए किसी गिग की मार्केटिंग हो जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती. अभी देखें कनाडा से है ये. अब आप इसकी वॉइस ओवर सुने खाली, आई थिंक उससे भी मुझे तो अच्छी लगी इसकी वॉइस ओवर. और ये काफी लो कॉस्ट में प्रोवाइड करी है. देखें उसने, देखें वो टॉप रेटेड सेलर थी बेसिकली और ये सेकेंड लेवल सेलर है. लेकिन सेकेंड लेवल पे भी आप स्टैंडर्ड के बाद मीडियम फिर प्रो आप बना सकते हैं किक को और प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केटिंग में. लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया है. इस लड़की, ये भी लड़की कर सकती है. अब इसने देखो क्या लिखा हुआ है, 300 अपटू 300 वर्ड्स, अपटू 300 वर्ड्स यानी 300 वर्ड्स ये $5 में कर देगी. अपटू 300 वर्ड्स बेसिकली 900 वर्ड्स मैंने करवाए थे $15 में, ये 300 वर्ड्स $5 में कर देगी. अब आप सुने इसकी किक, सॉरी वॉइस ओवर सुने इसकी और $5 देखें आप $5 में. My name is Leanne and I would love to lend my voice to your project. I will voice up to 300 words for just $5 and this offer is exclusively on Fiverr. I've been working in the industry for a few years now and have voiced many radio commercials, PSAs, explainer videos, online courses, audiobooks and video games. And since I have experience in the field of voice acting, I've also been lucky enough to work with writers to develop the perfect voices for all types of characters. I'm also able to deliver a number of authentic sounding accents. So, if you have any requests, just send me a message with your ideas. Thank you so much for your interest, and I look forward to working with you soon. ठीक है, इसकी दूसरी वॉइस ओवर सुनते हैं. बेसिकली वॉइस ओवर में सिर्फ वैसे इसी कोई बात नहीं है कि वॉइस ओवर में सिर्फ लड़कियां कामयाब है, फीमेल्स कामयाब है, मेल कामयाब नहीं, ऐसी बात नहीं है. मेल्स भी कामयाब है, फीमेल्स भी कामयाब है. ठीक है, सक्सेस लेकिन ऑब्वियसली सक्सेस फीमेल्स में ज़्यादा, फीमेल्स ज़्यादा हैं वॉइस ओवर में मेल्स है. ये आप खुद भी कंसिडर, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं. आप अगर डीप में सर्च करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये मेल्स इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं है. आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं. देखें मेल्स भी, मैं ऐसी बात नहीं है कि मेल्स कामयाब नहीं है, मेल सक्सेस नहीं है. आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन होगा ये भी कि आप मेल से कराना चाहते हैं या फीमेल से. ओह माय गुडनेस, यहाँ पर फीमेल 58 है और मेल्स 878 है आई थिंक. लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ पर सारी फीमेल्स तकरीबन आ रही हैं. आप चेक करें तो देख रहे हैं आप, सारी मेल्स आ रही हैं, फीमेल्स आ रही हैं. देखिए यहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ से देखिए इस गिग पे आपको बता रहा है कि जेंडर आपको बता रहा है, फीमेल 78 है, फीमेल 58 है. हो सकता है मेल्स में ज़्यादा हो. अच्छा,
अगर मैं इसको टॉप रेटेड बढ़ा दूं, अब देखो ओवरऑल, शायद ओवरऑल आप बताएगा वो मुझे। देखें देखें देखें, मेल फीमेल अभी भी कम है, ठीक है, यानी मेरी बात गलत नहीं कि गलत साबित हुई, I'm sorry for this. Well, basically आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं मेल फीमेल, आप कोई भी चूज, जैसे आप अगर मेल की चाहिए तो आप मेल पे क्लिक करते हैं, फीमेल की चाहिए तो फीमेल पे, वॉइस ओवर चाहिए तो फीमेल पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश अरेबिक लैंग्वेज भी बता दी, आपको पर्पस भी बता दिया है, आपको एसेंट भी बता दिया, आपको एज रेंज भी बता दिया, एडल्ट यूथ मिडिल एज सीनियर, आपको सेलर लेवल भी बता दिया, आपको किस लेवल सेलर लेवल से चाहिए, अगर आप न्यू सेलर से मिलेंगे तो आपको आपको लो कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, अगर लेवल वन सेलर से मिलते हैं तो उससे ज्यादा महंगी होगी, लेवल टू की उससे ज्यादा महंगी होगी, और टॉप रेटेड सेलर की तो आपको बताइए कितने ज्यादा ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। वॉइस ओवर हो गया, अब देखें वॉइस ओवर के लिए बेसिकली क्या होता है, वॉइस ओवर आपकी वॉइस ओवर आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वॉइस होनी चाहिए, आपकी वॉइस होगी तो ही आपकी किक सेल होगी, और आपको आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी फ्लुएंट होनी चाहिए, नेटिव स्पीकर आप होना चाहिए, तभी आपको जाके तब जाके आप कुछ अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा एंट्री भी आप कर सकते हैं, अगर मैं डेटा एंट्री पर टाइपिंग पे करूँ, डेटा एंट्री किसी के पेज टैप कर देना, किसी की डेटा एंट्री कर देना, बेसिकली यहाँ पे होता है, लेकिन इतना चाम नहीं है डेटा एंट्री में, डेटा एंट्री में इतना चाम नहीं है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोगों डिजाइनिंग की तरफ जाएं, अब देखें मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, आप वो करें जो 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 जिसमें आपकी ग्रिप है, जिसमें आप कम्फर्टेबल, जिसमें आप ईजिली काम कर सकें, काम वो करें जिसमें आपको पैशन हो, ठीक है, जब तक आप जिसमें आपको पैशन होगा, ठीक है। देखिए स्कोप कभी भी मत ढूंढें, स्कोप अगर आप फाइंड आउट करने जाएंगे, स्कोप देखें हर फील्ड में आपको स्कोप मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ स्कोप की तरह स्कोप के लिए आप जाते हैं किसी फील्ड में तो आपको सक्सेस हो सकता है मिल जाए, और ज्यादातर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और हो सकता है आप अगर लक के साथ आपके लक अच्छे हैं तो आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप पैशन आपके पास पैशन है तो आप ऑब्वियसली देखें आप यार बहुत गई जिस फील्ड में जिसमें आपका पैशन है, ठीक है, आप उसी की तरफ आप जाए, आपको स्कोप खुद को खुद मिल जाएगा, ठीक है, आपको खुद को खुद नजर आ जाएगा स्कोप, ठीक है। तो आप करें वो जिसमें आपका जिसमें आपकी गरीब हो, जिसके आपने जिसमें आपका पैशन हो, यहाँ पे आई विल कंप्लीट योर डेटा एंट्री, यहाँ पे इसके 3 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, 3 फीडबैक है। अब ये और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके 3 ऑर्डर्स कंप्लीट की, नहीं, ये 3 फीडबैक है, 3 रिव्यू हैं, रिव्यूज हैं ये। आई विल डू ए डेटा एक्सेल, डेटा एंट्री इन एक्सेल, आप ये चेक कर सकते हैं 280 है यहाँ पे, आप थोड़ा सा अगर खुद रिसर्च करेंगे, देखें आप जब तक खुद रिसर्च नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको कुछ आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर टाइपिंग भी सर्च कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप वो काम करें, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप वो काम करें। आप रिज्यूमे डिज़ाइनर मेरे लिए क्या थी, कितना इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है रिज्यूमे डिज़ाइनर, ठीक है, तो मैं रिज्यूमे डिज़ाइनिंग कर सकता था, तो और रिज्यूमे डिज़ाइनिंग की मैंने काफ़ी सेल्स भी की है, मैंने 100 प्लस सेलिंग की है। तो आप काम वो करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है, आप एक वेबसाइट बनाएं वर्डप्रेस पे, जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो, जिसकी पेज अथॉरिटी अच्छी हो, जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो, जिसका गूगल पेज रैंक अच्छा हो, तो आपको वहाँ पे लोग कहेंगे कि मेरे आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश करते हैं अपने ब्लॉग पे, तो उससे भी आप $5 चार्ज कर सकते हैं, इस तरह से आप $5 चार्ज कर सकते हैं। इसके आप बहुत सारी कैटेगरीज बना लें, ठीक है, एक डोमेन लें, ऐसा डोमेन लें जो जिस पे हर कैटेगरी चल सके, ठीक है, हर कैटेगरी आप अपने डोमेन पे सबकी सब कैटेगरी लगा दें, ताकि आपके पास सब कैटेगरी के ऑर्डर हैं। अब देखें कैटेगरी अलग अलग होती हैं, अब हेल्थ की कैटेगरी अलग होती है, जॉब की कैटेगरी अलग होती है, टेक्नोलॉजी टैक की कैटेगरी अलग होती है,
इस तरह से इंश्योरेंस की कैटेगरी अलग होती है, बहुत सी कैटेगरीज होते हैं, बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और डीप में सर्च करूं मैं, फिक्स बट प्रेस एरर्स। यहां से अगर मैं टॉप रेडिट सेलर पे क्लिक करूं, अब ये देखें आलिया चौधरी पाकिस्तान के सुपर सेलर, टॉप रेटेड सेलर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये 440 तक चार्ज कर रहे हैं, 1550 एंड 440। आप ये चेक कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ऑनलाइन ये पाकिस्तान से है और इन्होंने 13,974 के रिव्यूज हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है 20,000 इन्होंने ऑर्डर डिलीवर कर दिए, ये अभी ऑनलाइन है। वर्डप्रेस एसईओ इनकी स्किल्स देखे, वर्डप्रेस एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीएचपी एचटीएमएल, सीएसएस, वेब डेवलपमेंट, पीएचटी एचटीएमएल, वेबसाइट डिजाइन। अभी देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई विल प्रमोट यूट्यूब वीडियो विद 1000 रियल ह्यूमन व्यूज। अब यहाँ पे आप देखेंगे 249 रिव्यूज हैं, यहाँ पे 8000 प्लस रिव्यूज हैं, यहाँ पे 1 प्लस रिव्यूज हैं। आप यहाँ पे आई विल प्रमोट एंड रैंक यूट्यूब वीडियो एट वन पेज इन सर्च इंजन, आई विल फिक्स वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन थीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस में स्किल्स हैं तो आप वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, आप प्लगइन सेल भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस थीम भी सेल कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, रिज्यूमे डिजाइनिंग कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे, देखें आप जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद इसको डीप में रिसर्च करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। गिग कैसे बनाते हैं, सिंपल है। डैशबोर्ड पे आता हूँ मैं, सॉरी, स्टार्ट सेलिंग। ओके, आई वांट टू वर्क फुल टाइम, पार्ट टाइम, यहाँ पे आप लिख दें अवेलेबिलिटी बता दें, अपनी मैं पार्ट फुल टाइम कर रहा हूँ या पार्ट टाइम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है, आप अगर पार्ट टाइम चूज करेंगे तो आपके पास ऑर्डर इतने नहीं आएंगे, फुल टाइम आपको करेंगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी यानी बतानी है आपको अपनी, लेस देन 30 आवर्स ऑफ वीक, मोर देन एज नीडेड। आप एज नीडेड आप कभी भी प्रोवाइड हो सकते हैं, आप फेसबुक गूगल लिंक या अकाउंट कर सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज आप बता दें, आपकी कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग है, स्किल्स बता दें आप, एजुकेशन बता दें आप, सर्टिफिकेट्स बता दें, डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट्स, यस लिखते हैं, पोर्टफोलियो बता दें, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए, देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कीवर्ड्स हों, ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड्स हों, जिसमें आप बोल्ड करें और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छी सी वीडियो अपलोड करें, अच्छी सी इमेज बनाएं, इमेज अपलोड करें, और हो सके तो अपना एक वीडियो पर वॉइस ओवर भी लगा दें, या तो वॉइस ओवर, विदाउट वॉइस ओवर भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी गिग पे, ताकि देखें गिग अगर वीडियो अपलोड करने से 220% गिग सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपलोड करें, और अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपको सिंपल ये करना है कि किसी फ्रेंड को कहना है कि मुझे वो ऑर्डर कर दे, कि और आप उसको इजी पैसा कर दो, या तो बैंक ट्रांसफ़र कर दो, वायर ट्रांसफर से जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दो,
बैंक यानी बैंक बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कर दो, वो आपको रिव्यू दे देगा, आपको एक रिव्यू मिल जाएगा जिससे आप लोगों के सामने मार्केट में आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास 5-star रिव्यू होंगे, आपके पास 100% रेटिंग होगी जिससे आप अपनी प्रोडक्ट अपनी गिग सेल कर सकते हैं, यानी लोग आपके पास आ जाएंगे, लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाएंगे। इस बंदे के पास 100% रेटिंग है तो मुझे इसके पास जाना चाहिए, ये कम भी चार्ज करेगा, न्यू भी ये कम चार्ज करेगा और वो आपको ऑर्डर देगा। आई होप इतना बहुत है फाइवर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, कोई भी आपको इन फ्यूचर कोई भी इश्यू हो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे या आप यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं आपको आपकी मैं वहीं हेल्प कर दूंगा, वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा आपकी कमेंट का, ठीक है। विद इन 12 आवर्स में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।